वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, बहुत सोहनी धुप है, खिड़िया खिड़िया दिन है। तो बच्चे बाहर टेबल कढ़ के स्टडी कर रहे सी। मैनू सारिया बुक्स चक, दोपहर की रोटी लैके आवा। अज थोड़े नाल असी लंच रूटीन शेयर कर लगे हाँ। वाहिगुरु जी, साडा दोपहर का प्रशादा तैयार है। तो ये सब्जियां ने दो, एक दाल है, एक चौल, बाकी सलाद, इस मक्खन पा दें। दोपहर की कुकिंग असी मोस्टली गैस पर ही करते हैं, नहीं तो फिर बाहर चुल्हे ते मरन वाला हीला हो जाता। लियाओ सरदार जी, नाले थोड़े बच्चे खा लेंगे। दरवाजा मैं खोल दी। गुन्नू पुत्र, बाहर मक्खी है, अंदर आ जाओ। शको गुन्नू, तू अपने पापा नाल लग जा, प्रतीक अपने डैडी नाल। मैं लियानी उन्होंने भी बुला के। बच्चे कहंदे अंदर रेंज नहीं आउंदी, उन्होंने बाहर स्टडी टेबल लाया, बाहर ही क्लासां लाइया, ते बुक्स पईयां जी। और कुछ चाहिए हो मैं लियानी हाँ, तुसी लगो छकन। मम्मी नहीं आए, पिछे मशीन ते ही बैठे होने ना। मैं हुण दोपहर नूं तां हट जाओ, तुसी आराम रूम करो। मम्मी दोपहर हो गया, मम्मी बस करो आराम करो। ते ओ प्रशादा तैयार है, छको। चलो आज है ना। हाँ जी, कदे धुप कदे बदल, ये तो एवं चलता ही रहता है। मशीन तो ही लगे पे ने, मम्मी कह के आई हैं। तुसी नहीं लगे छकन, मैं दे दनी हूँ होर थोनू, तुसी भी बैठो। फिर बस मम्मी भी आ रहे ने, मैं ते दीदी रह जांगी हां। हाँ जी, ले आवां कुछ, चलो आवाज मार दियो ना। ओ मैं लगता होर नहीं लेंदे दीदी रोटी, बस अपनी तिना दी दोहां दी अपनी। मम्मी आ ही रहे ने, अंब बाद च दऊंगे, पहला ही अंब खाण लग जाते ने, फिर रोटी नहीं रज के खाते। कट के तो मैं रखता, कला खीरा दिता, बाद च दऊंगी अंब, रोटी खाधी तो फिर
फिर चाहे हाथ लिबड़न मूँह लिबड़े धोते फ्री जाएंगे। वाहगुरु जी मम्मी कह मैं कली दाल लैनी है और कोई सब्जी सुब्जी नहीं लैनी ते नाल अंब लिया उन्होंने रोटियां रखियो चलो जी हूँ मम्मी की रोटी फड़ा दिए सरदार जी ते वीर जी नाले बच्चे लग जाते ने इन्हों का नाल हुंदे निपट जाता है मम्मी का भी सरदार जी वीर जी ते बच्चों का भी हूँ दसो मम्मी पानी लियावा कि लस्सी लियावा ठीक है जी लेके आई लो जी उन्होंने प्रशादा छक लिया होना हूँ उन्होंने अंब अंब जहाँ दे के आवा ये लो रोटी तो बाद ये छको पहला रोटी नहीं बिच छड़नी हैगी सारी खा के ना बाद च इत्थे चादर नू हाथ ना वाल दियो ठीक है हैंड वॉश कर लियो फिर खा के प्रशादा होर पंज पंज खा ले अच्छा बड़े पक्के हो फिर तुसा लो जी मम्मी नू दे दिए लस्सी का गिलास आ ले लो मम्मी प्रशादा होर ले वा अच्छा चूर लिया दाल च ठीक है फिर आराम नाल खादा जांदा ता ही नहीं सब्जी लई तुसी ना सर वाहिगुरु जी रोटी का साडा निबड़ गया सारियां दा ही बस मैं ते दीदी ने हुण छक लैणी है फिर उस तो बाद भांडे इकट्ठे मल दांगे ठीक है जी। वाहिगुरु जी ये अज हरे धनिए की चटनी कुटन लगी हाँ बहुत सोहना धनिया सी फ्रैश हरिया पालिया विच 10-15 मिर्चा 1 चमचा लूण दा बाकी प्याज ने 4-5 इन्हां नूं कुटांगे दोपहर दी साढ़े कोल घिया कद्दू की सब्जी पई है नाल चटनी ये शाम जी का टाइम है हवा चल रही है बहुत सोहनी तो बदल जहा हो गया कित गरज भी रहा इधरली साइड में सुन दवाज जी गुनू पुता कूड़ा सिट के आएगा जी हवा तेज आ गई नहीं उड़ जाना सारा प्याजा का कूड़ा हाँ उत पिछे सिटिया लो जी इस तरह इनू कुट लाँगे ये है हरे धनिए की चटनी पुदीने की असी थोड़े नाल बहुत बार शेयर की है अंबी की भी अंगूर की भी तो ये तुसी अचार वालिया सिरके वाली मिर्चा भी पा सकते हो नहीं फिर बाद नींबू निचोड़ लियो एक जे खट्टा पसंद करते हो तो जे नहीं तो फिर एवं छक जियो ठीक है जी। वाहिगुरु जी ये देखो बिल्कुल कुटी गई ये थोड़ी दैड़ जी हो रही है मिक्सी दे विच बिल्कुल मेहंदी वर्गी हो जाती है ये हत्था नाल थोड़ी दैड़ जी रही है पर कुटी गई ये हुण असी इनू किसी डब्बी च कढ लांगे ठीक है जी। एक डब्बी लिया दे पुत्ता चटनी कढ़नी है ना डब्बी मिली कौली लिया दी इधर वाहिगुरु जी होर साढ़े काम कार रूटीन वाले जिमें हो गया ये
वाहिगुरु जी, अज असी अग नहीं बाहर मचावांगे क्योंकि जिहड़ा मौसम है ये खराब जहा हो गया, बहुत बदल हो गया। तो बस असी जो रोटी हुण बनावांगे अंदर ही बनावांगे गैस ते, साडी सब्जी पई है चटनी कुटी गई